हाय गाइस, कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू माय फिफ्थ वीडियो ऑफ आवर चैनल की जैसे कि हाउ टू डू फॉर्मेटिंग इन जीमेल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मेटिंग क्या होती है। किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, सही करना, अगर छोटा है तो बड़ा करना, बड़ा है तो छोटा करना, साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और मैं आपको बताऊंगा आज कि आप अपने ईमेल में जैसे कि आप जॉब करते हैं कहीं पर या आप पर्सनली चाहते हैं कि आपको पता हो व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा बिकॉज मैं जानता हूँ आपका टाइम वैल्यूएबल है। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अपना काम कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ईमेल टाइप करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा ईमेल में कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की हेल्प कैसे कर सकते हैं आपके। मान लीजिए ईमेल मैं खुद को ही कर देता हूँ, अपनी दूसरी इस आईडी पे ईमेल कर देता हूँ, सब्जेक्ट वट एवर टेस्ट, ठीक है, और हाय डियर हाय डियर, और कुछ भी लिख दीजिए लाइक लेट्स प्लान अ ट्रिप, लेट्स प्लान अ ट्रिप इन कनाडा, फॉर कनाडा, सॉरी माय मिस्टेक, फॉर कनाडा, देखिए, और थैंक्स, ऐसे क्या उनको बताया, मेरे गुड नेम मेहुल है, ठीक है। तो ये हमारी होगी ईमेल टाइप, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ईमेल में क्या होती है, तो उसके लिए क्या करना होता है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो निशान है ए बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिंग ऑप्शन। यहाँ से आपको करनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है लैंग्वेज का कि आपको अपनी लैंग्वेज कैसी करनी है टेक्स्ट की। मान लीजिए कनाडा है, कनाडा की आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप सेंस से उसको सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आके उनको क्लिक करोगे तो उनकी जो वो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा और आपके जो जो भी ये टेक्स्ट टाइटल है ये टाइटल को आपको करना है ठीक, इसको बड़ा करना है तो टेक्स्ट में जाके आप इसे यूज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। नहीं तो अगर बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं, जितना आपको सेलेक्ट करना है उतना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए फिर आप इसको लार्ज कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है बोल्ड। कोई भी टेक्स्ट मान लीजिए हमारा ट्रिप है कनाडा का तो इसमें मेन चीज कनाडा, तो उसमें हम कर देते हैं बोल्ड, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं और फिर सेलेक्ट कर लीजिए, इसे हम फिर से अनबोल्ड कर सकते हैं ये। और ये सेंटेंस है, इसको हम अगर करना है इटैलिक वे में लिखना है वो इस वे में हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन करना है तो ये क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, मान लीजिए कनाडा है, कनाडा को हम लाल कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके इसको कर दीजिए लाल, कनाडा हो गया लाल, ठीक है। बाकी आगे आ जाता है कि फॉर्मेटिंग कैसे होगी, अलाइनमेंट कैसे होगी, ऐसे कर लीजिए बोल्ड, ये नंबर वाइज करने के लिए क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको फुल स्टॉप लगा के करना है तो ऐसे कर सकते हैं, एक साइड करना है इस साइड और इस साइड इस साइड, कॉमा लगाना है तो कॉमा लगा सकते हैं इस तरीके से बोल्ड करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे बीच में कुछ चीज़ काटनी है आपको उसे काट सकते हैं इस तरीके से और इस पे में भी काट सकते हैं, इसमें आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, लेकिन हम इस फॉर्मेट को वैसे का वैसा करना चाहते हैं ऐसा था तो कंट्रोल जेड कर देते हैं वैसा हो जाएगा। तो यही है गाइस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसे ही कहते हैं, इसी से अपनी आप जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इससे आप करने के बाद वैसा भी कर सकते हैं, रीडो भी कर सकते हैं, अंडो भी कर सकते हैं, जैसे मेरी पिछली वाली थी इसको हम अंडो कर देंगे, पुराना 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 और फिर से अंडो हो गया है, जैसे कि हमारा जो पहला टेक्स्ट था वो टेक्स्ट हमारा ये रहा सबसे पहले वाला, ठीक है। तो कोई डाउट है अगर आपको इसमें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और आपको आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम आगे और वीडियोस डालते रहेंगे जो भी आपके रिलेटेड आपको काम आएंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, वंदे मातरम, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, थैंक यू।